नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जेफेट की कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या करना होगा, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इस कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में या इस कैरेक्टरिस्टिक परिपथ आरेख में VGG की वैल्यू जो है उसे कांस्टेंट करते हैं। अब ये जो VGG है इसे स्टेप डीसी में कन्वर्ट किया है वाया P1। अब यहाँ से इस P1 को इस Z1 टर्मिनल के थ्रू जब रोटेट किया जाता है तो इससे गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है। इस गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हम किससे देखते हैं, V1 के थ्रू देखते हैं। इसे एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर कांस्टेंट करने के बाद हम VDD की वैल्यू P2 पोटेंशियोमीटर के थ्रू चेंज करते हैं। अब ये जो P2 पोटेंशियोमीटर है इसके Z2 टर्मिनल को, जो Z2 होता है ये क्या होगा, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का नॉब है। इसे जब हम रोटेट करते हैं तो क्या होगा, इस रोटेशन के क्रॉस इस ड्रेन टू सोर्स के बीच ये जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है VDS, इस VDS की वैल्यू क्या होगी, V2 पर मेजर होगी। और इस V2 के अक्रॉस जो करंट ID इस ड्रेन से सोर्स के बीच में फ्लो होता है वो ड्रेन करंट को हम किस पे मेजर करते हैं, मिली एमीटर पर। अब इन दोनों को मीन्स के हमने सबसे पहले क्या किया, मान लीजिए हमने VGS की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रखी, 0 वोल्ट रखने के बाद P2 को इंक्रीज करने लगे, यानी P2 की वैल्यू चेंज की, जिससे VDS की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। VDS की वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम ID की वैल्यू को नोट कर दें। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर VDS की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उस पर फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, उसके अक्रॉस जो फ्लो होने वाला करंट होगा उसे हम मेजर कर लेंगे। नाउ फिर से हम VDS की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। इसके बाद यहाँ पर P1 की हेल्प से फिर से VGS की वैल्यू 0 से बढ़ाकर क्या कर देंगे, -1, बिकॉज ऑफ इट इज नेगेटिव, दैट इज वाई जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर हमने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर दी, वह 0 से, नॉर्मली इट इज कॉल्ड नेगेटिव। सो ये क्या कर रहे हैं, हम डाउन कर रहे हैं, ठीक है, हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 0 से -1 किया तो ये क्या होगा, वैल्यू कम कर दी, ठीक है। इट मीन्स कि जो रिवर्स वाइज वोल्टेज है इसके बीच का, उस वोल्टेज को हमने इंक्रीज कर दिया, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 कर दिया। सो यहाँ पर फिर से सेम प्रोसीजर कि हम क्या करें, VDS के वैल्यू को सुटेबल स्टेप पे आगे बढ़ाएं और उसके रिस्पेक्ट में जो ID है उसे नोट कर लें। नाउ सेम प्रोसीजर हम VDS यानी इस VGS के अलग अलग वैल्यू के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी जब हमने इसे 0 किया देन प्रोसीजर फॉलो की, देन 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी अलग अलग VGS की वैल्यू के लिए हम VDS और ID की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और इन वैल्यूज के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उस ग्राफ को ही कहा जाता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। तो रीडिंग्स को लेते हैं, उसके बाद जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो हम बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं। जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होती है ये प्लॉट की जाती है किसके बीच, ये प्लॉट की जाती है ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच, क्लियर है। ये किसके बीच प्लॉट की जाएगी, ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर जो हम वोल्टेज चेंज करते हैं वो क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, दैट इज़ वाई उसे हम किस पर रखते हैं, हम उसे रखते हैं एक्स एक्सिस पर, हम उसे किस पर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। जबकि जो करंट है इस VDS के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है दैट इज ID करंट, तो इसे हम रखते हैं वाई एक्सिस में। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन मिली एम्पियर, और वोल्टेज क्या होगा, इन वोल्ट्स, क्लियर है। नाउ एट VGS 0, जब VGS 0 की या VGS की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम VDS और ID के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, नाउ इट इज जस्ट VGS इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो होता है इस करंट को क्या कहा जाता है, IDSS, इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, क्लियर है। नाउ फॉर जब VGS की वैल्यू हम क्या करें, और बढ़ा दें, ठीक है, और बढ़ाते हैं, कितनी करते हैं, 1 करते हैं, या हम कहें -1 करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, क्लियर है। इट इज फॉर VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। अगेन फॉर फॉर
VGS इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट एंड इट इज VGS इज इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट एंड नाउ इट इज VGS इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट. यानी जब आप VGS यानी आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है. इस ग्राफ को हम कुछ रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसे और बेटरली समझने के लिए हम एक सिंगल ग्राफ लें. तो सिंगल ग्राफ लें अगर हम, तो उस सिचुएशन में दैट इज VDS एंड ID. क्लियर है? इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इस ग्राफ को इट इज VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट. जब VGS की वैल्यू क्या है, 0 है. ऐसे सिचुएशन में आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या है, ये ग्राफ है. इस ग्राफ के सिचुएशन में क्या होगा, इसे चार डिफरेंट रीजन, चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है. पहला जो क्षेत्र होगा वो होगा 0 टू A, सेकेंड होगा A टू B, थर्ड जो होता है वो होता है B टू C, एंड C के बाद अगला जो क्षेत्र होता है वो होता है C टू D. ठीक है? सो हमने क्या किया, हमने इस ग्राफ को, इस कर्व को चार डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर दिया. ठीक है? सो इससे एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमने पहले एरिया को लिया 0 टू A, ठीक है, या O टू A. इस O टू A रीजन को हम नॉर्मली कहते हैं और ओमिक रीजन. इसे हम क्या कहते हैं, ओमिक रीजन ऑफ JFET. इस रीजन में जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए बढ़ती है. क्लियर है? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. इसलिए इस रीजन को कहा जाता है ओमिक रीजन. यानी ओ टू ए जो रीजन है इसे कहेंगे हम ओमिक रीजन. आफ्टर दैट कर्व ए टू बी, सेकेंड रीजन जो है उस रीजन को क्या कहते हैं, कर्व ए टू बी, ए से बी के बीच का कर्व. इस रीजन में, इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट के वैल्यू रिवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है. रिवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पर क्या होता है, जब हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने लगते हैं तो अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने लगती है. डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने लगती है, लाइक हमें पता है ये हमारा क्या है, JFET है. ठीक है? इस पर ये हमारे दो रीजन हो गए. ये हमारा हो गया सोर्स, इट इज ड्रेन एंड इट इज गेट. तो गेट पर तो अभी 0 वोल्ट है. जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया तो क्या होगा, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद डिप्लीशन लेयर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी. यानी डिप्लीशन लेयर कुछ ऐसे होने लगेगी. ठीक है? इसके कारण क्या होगा, फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर प्रीवियस के कंपैरिजन में कम होंगे, पर उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है. तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो सडनली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ना बढ़कर किसके थ्रू होता है, रिवर्स स्क्वायर लॉ के थ्रू इंक्रीज होता है. जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस. यहाँ देखिए, यहाँ इतने कम वोल्टेज पर करंट क्या हुआ, सडनली मैक्सिमम हुआ. पर इतने हाई वोल्टेज, इस रेंज के लिए करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ी. इसलिए इसे क्या कहते हैं, कर्व ए टू बी, जिसमें करंट किसके थ्रू बढ़ रहा है, रिवर्स स्क्वायर लॉ के. आफ्टर दैट हमें मिलता है बी टू सी रीजन. बी टू सी रीजन क्या है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन रीजन और पिंच ऑफ रीजन. ठीक है? दैट इज सैचुरेशन रीजन. अब सैचुरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इसके बाद ये डिप्लीशन लेयर के कारण जो ये चैनल है, इस चैनल का जो एरिया है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है. चैनल का एरिया कांस्टेंट होने से वहाँ से फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, जिसके कारण हमें कांस्टेंट करंट मिलता है. इसलिए वोल्टेज के बढ़ाने पर भी करंट की वैल्यू क्या हो रहती है, कांस्टेंट रहती है. आफ्टर दैट उसके बाद हमें जो रीज़न मिलता है, दैट इज सी टू डी. इस सी टू डी रीज़न में क्या होगा, अब हम एक सर्टन वोल्टेज के बाद, जैसे ही हम इस सी वोल्टेज के बाद, मान लीजिए इट इज वी बी वोल्टेज. ठीक है? इस वी बी वोल्टेज के बाद जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये जंक्शन जो है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
इनके ब्रेकडाउन में नॉर्मली ये क्या होंगे, एवलांची ब्रेकडाउन होगा। सो इसके ब्रेकडाउन होने से सडनली करंट क्या हो जाता है, रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, जिसके कारण हमें बहुत कम वोल्टेज चेंज पर मैक्सिमम करंट मिलने लगता है। सो ये हमारा क्या है, ये रीज़न जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ आर एफ ए टी। नाउ आई होप आप सभी को FET के कर्व के ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के ये चारों रीजन क्लियर होंगे। फर्स्ट इज ओमिक रीजन, सेकंड ए टू बी कर्व, थर्ड इज बी टू सी सैचुरेशन रीजन, एंड सी टू डी ब्रेकडाउन रीजन। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस पूरे FET पर VGS का इफेक्ट क्या है। तो जनरली इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा कि हम जैसे जैसे VGS की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, VGS की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हमारे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। दैट मीन्स कि हमारा चैनल की विड्थ पहले से कम हो चुकी है, और फिर हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो चैनल क्या है, चैनल से फ्लो होने वाला करंट और कम हो जाता है प्रीवियस के कंपैरिजन में। सो हमारा जो ब्रेकडाउन या सैचुरेशन पॉइंट है वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, जल्दी आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सैचुरेशन पॉइंट था, सेकंड में आपका सैचुरेशन पॉइंट यहाँ आ गया, इट इज़ V1, मान लीजिए ये क्या है V1 वोल्ट पर आया, सेकंड में V2 वोल्ट पर आया, थर्ड में आपका सैचुरेशन और जल्दी आ गया V3 वोल्ट पर आया, फोर्थ में और जल्दी V4 वोल्ट पर आ गया। सो ये जो V1 है ये V2 के कंपैरिजन में हाई है, मतलब आपका सैचुरेशन, जैसे जैसे VGS की वैल्यू बढ़ती है सैचुरेशन रीजन जो है वो प्रीवियस वोल्टेज के कंपैरिजन में अर्ली जल्दी आ जाता है। सेकंड, हमारा जो ये ब्रेकडाउन है, ये देखिए ये ब्रेकडाउन भी आपको क्या है, प्रीवियस के कंपैरिजन में पहले मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे आप वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, डिप्लीशन लेयर की विड्थ पहले से ज़्यादा हो चुकी होती है, इस पर जब हम VDS की वैल्यू चेंज करते हैं तो VDS जो है वो प्रीवियस के कंपैरिजन में कम वोल्ट पर ही क्या होता है, कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करने लगता है। सेकेंड, इस कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करने के साथ साथ अब जो ब्रेकडाउन है ये क्या है, पहले से रिवर्स हो चुका है, और रिवर्स होने के कारण अब आप कम वोल्टेज ही अप्लाई करोगे तब भी ये क्या होगा, जल्दी ब्रेकडाउन कंडीशन पर चला जाता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाते हैं हमें वोल्टेज या सैचुरेशन पॉइंट जो है वो जल्दी मिलने लगता है, एज वेल एज हमें ब्रेकडाउन भी क्या होगा, जल्दी मिलने लगेगा। सो आई होप आप सभी को ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी JFET की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, उसके सब रीज़न और VGS का इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पर इफेक्ट क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।